में बोलूं तो मेरे लिए ये बहुत ही अब तक का सबसे कठिन और सबसे प्यारा कैरेक्टर है। देखिए कॉन्फिडेंस तो अपने आप पेट भर के था बचपन से ही, तो वो मुंबई ने नहीं दिया, वो मुझे कॉन्फिडेंस मेरी स्कूलिंग ने, मेरे परिवार ने और ऋषिकेश ने दिया जहां पर मैं पला बढ़ा। He is full of love और अपन तो थोड़े से ढीठ है, हम लोग तो दबंग है, बदमाश है, तो वो जो कैरेक्टर है वो बहुत सीधा है, बहुत प्यारा है। यहाँ इज्जत मिलती थी और आज भी टैलेंट को यहाँ इज्जत मिलती है। और अब ज्यादा आपके पास प्लेटफॉर्म है, पहले थोड़े कम होते थे और ये धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं, अब वेब सीरीज आ गई हैं। यही है कोशिश कि काम रुके भी ना, चलता भी रहे, क्योंकि एक सीरियल से कुछ नहीं तो 100 परिवार चलते हैं। मनमोहन को मनमोहन बनाया है जो लोग जाने हैं, तो ऋषिकेश से अब मुझे अगर भारत में कई लोग जानते हैं, बाहर अगर कुछ लोग जानते हैं, तो इस मुंबई ने बनाया और ये अनुभव बहुत सुखद है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष और आज हमारे साथ है खास मेहमान गुड़िया, हमारी सबसे प्यारी के खास मेहमान पप्पू भैया यानी कि मनमोहन तिवारी जी। मनमोहन जी वेलकम टू सास बहू और सस्पेंस। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन जी, गुड़िया हमारी सब पे भारी काफी मतलब अच्छा कर रहा है, दर्शकों बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। जो आपका किरदार है पप्पू भैया का, एक मतलब अलग किरदार, इससे पहले आपने जितने भी किरदार किए कुछ नेगेटिव थे कुछ अलग था, ये किरदार करने में कितना मजा आ रहा है? मैं मजे से पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरे लिए ये एक प्रकार का चैलेंज था और स्टिल आई एम फेसिंग चैलेंज, क्योंकि अमूमन मैंने जितने भी काम करे इसके पहले, अगर मेरा ये 22वां या 23वां सीरियल होगा, मैंने ज्यादातर नेगेटिव रोल करे हैं या फुल ऑन कॉमेडी करी है। ये था कि एक आम इंसान करना है और इसकी सिचुएशन पे कॉमेडी आती है, वो जो अपनी पति से दबा हुआ है, अपने ससुर से दबा हुआ है, माता पिता से दबा हुआ है और उन सबसे प्रेम करता है। छोटी बहन के लिए इसने जबरदस्ती किसी से शादी कर ली है कि भाई उसके पिताजी उसकी शादी कराएंगे, तो इट्स अ डिफरेंट रोल। एंड एक लाइन में बोलूं तो मेरे लिए ये बहुत ही अब तक का सबसे कठिन और सबसे प्यारा कैरेक्टर है, बहुत ही प्यारा। बिल्कुल, जिस तरह का किरदार है, जिस तरह से आप निभा रहे हैं उसे, मतलब जो एक बात करने का ढंग है, चाल चलन, एक जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब काफी कहीं ना कहीं एक मनमोहन तिवारी जो है तो उतना कितना मेल खाते हैं, जो पप्पू भैया और मनमोहन जी कितना मेल खाते हैं? ना वो चाल से मेरा कोई ताल्लुक है, ना उस बोलचाल से मेरा कोई ताल्लुक है, ना उस एटीट्यूड से मेरा ताल्लुक है। मैं तो बहुत ही मस्त आदमी हूँ और खूंखार आदमी हूँ, कहूंगा जिंदा आदमी हूँ। और वो वाला कैरेक्टर बहुत सीधा है, वो लड़ना, वो लोगों से लड़ता नहीं है, वो गुस्सा नहीं करता है, वो अगर कहीं गलती से गुस्सा भी आएगा तो वो सोचेगा यार मैंने क्यों गुस्सा करा, यार प्यार से बात करता ना। तो ही इज फुल ऑफ लव और अपन तो थोड़े से ढीठ है, हम लोग तो दबंग है, बदमाश है, तो वो जो कैरेक्टर है वो बहुत सीधा है, बहुत प्यारा है। और एक्चुअली उस सीरियल के सारे कैरेक्टर इतने मासूम है कि अमूमन 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं दोस्त, मतलब तो हमारे जैसे जो ढीठ कॉलेज से स्कूल से बदमाश होते हैं वो कम होते हैं, तो शरीफ लोग होते हैं वो वाला लड़का है, तो वो पूरी फैमिली बहुत शरीफ है, बहुत प्यारी है, दिखाते हैं कि हम लोग ऐसे हैं पर सब शरीफ है, कोई वैसा नहीं। अच्छा मनमोहन जी, मतलब अब सभी जानते हैं देश में क्या हालात है, पैंडेमिक से हम कोरोना की जो महामारी उससे गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जो एक मार है असर थोड़ा सा हमें सेट पे भी नजर आया, करम और सारिका दोनों ही कहीं कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो किस तरह का माहौल है, मतलब जबकि मेन लीड है शो के इस थोड़े से पॉजिटिव हो गए, शूट भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगा जाती ही है जब जो मुख्य किरदार है इस तरह से होते हैं, तो किस तरह से सारी चीजों को टैकल कर रहे हैं, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ये समस्या सिर्फ इस सेट की या इस सीरियल की तो है नहीं, ये समस्या तो समय वर्तमान में पूरे विश्व की है और पूरा विश्व इससे टैकल कर रहा है।
भारत इसे टैकल कर रहा है, हर शहर टैकल कर रहा है, और जिस तरह से विश्व, शहर, भारत सब लोग टैकल कर रहे हैं भाई, बिल्कुल उतनी ईमानदारी से हम लोग भी कर, और उसके बावजूद भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वही हाल हमारे सेट का भी है। फिर भी जाने अनजाने में कब किसको कौन सी चीज पकड़ ले रही है, आप कब बैठते हो, कहाँ बैठते हो, किससे किससे दूरी रखते हुए भी आप नजदीक, क्योंकि शूटिंग में आपको नजदीक तो जाना ही होता है, किसको खांसी कौन सी वाली है किसी का तो पता नहीं, तो पूरी कोशिश बढ़ती जा रही है कि हम लोग दूर दूर बैठे, डिस्टेंसिंग रखें, खाना साथ में ना खाएं, दूर दूर खाएं। शूटिंग के दौरान भी जितना ज्यादा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपना सकते हैं उसको अपना रहे हैं, मास्क पहन के रहते हैं, और हमारे सेट पे जैसे पहले आपने सुना होगा, देखा होगा, सेट के ऊपर स्पॉट दादा घूमते रहते थे चाय लेकर के, तो अब सैनिटाइजर दादा हो चुके हैं, वो तो सैनिटाइजर लेकर के, कितनी भी कोशिशें की जा सकती हैं भाई। सेट के अंदर हमेशा जाने से पहले हम लोगों का वो जो स्कैनर होता है जो कि आपका तापमान बताता है, वो सारी चीजें वो चेक होता है, मास्क जी पहनते हैं, तो हर चीज जो है, दस्ताने पहनते हैं, वो हर चीज की जा रही है। उसके बावजूद भी अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उसका समाधान भी ढूंढा जा रहा है। जैसे अभी अगर ये दोनों हीरो हीरोइन को हुआ है तो दोनों दो लोग 14 दिन के क्वारंटाइन हैं, हम सब लोगों का टेस्ट हुआ, आज आया है, हम सब लोगों का नेगेटिव आ गया है, सारे लोगों का नेगेटिव आ गया है, जिन जिन लोगों का नेगेटिव आया है वो लोग आज से शूटिंग पे जाएंगे और उसके हिसाब से कहानी को ढाला जाएगा। यही है कोशिश कि काम रुके भी ना, चलता भी रहे, क्योंकि एक सीरियल से कुछ नहीं तो 100 परिवार चलते हैं दोस्त। तो बिल्कुल बिल्कुल इट इज नॉट अबाउट एक्टर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इट्स ऑल अबाउट यूनिट। तो वो यूनिट जो है वो पूरी सफर करती है, ये है राइट कहानी। जी जी जैसे कि आपने बताया था कि मतलब इसके बाद जब एक कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल है तो कहीं ना कहीं सेट में भी थोड़ी सी एक डर तो आ ही जाता है मन में कि मतलब अरे यहाँ पे भी है तो हम जाएंगे, किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। तो आपकी सारिका और करम से बात हुई, मतलब जो गुड़िया है और जो करम जो किरदार है उनसे बात हुई, क्या क्या? देखिए डर तो है ही, बट वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, बिल्कुल तो बिल्कुल सच्चाई है कि उस डर को पाल करके तो चलेगा नहीं गेम, आपको उसे लड़ना होगा, और इस डर को मारा नहीं जा सकता, इस डर से तो जीता जा सकता है। और जीतने के लिए मैंने वही आपसे बोला कि चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो हाथ धोना हो, और अपने आप की इम्यूनिटी अपने खुद की बढ़ाना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, उठना बैठना, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है और वही सारी चीजें चल रही हैं, यही है। और उन लोगों से बात हुई, दोनों एकदम फर्स्ट क्लास हैं, अपने अपने घरों में हैं और क्वारंटाइन हैं और बिल्कुल स्वस्थ है वो लोग। मेरे ख्याल में अब जब उनका आएगा तो नेगेटिव ही होंगे, और वो जो माइल्ड सिम्टम है वो उन लोगों को है, दोनों जवान है, और एक पंजाब का शेर है तो एक एमपी की चंबल की गुंडी है, जी किसी को कुछ होने नहीं जी वाला दोनों हम का उम्मीद पानी कर बहुत स्ट्रॉन्ग है जी हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से बरकरार रहे, जो सेट पे मतलब पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए वो बरकरार रहेगी आप तो जी। तो किस तरह से अभी मतलब अब जबकि लॉकडाउन के बाद जो शूट करने का एक तरीका है बदल चुका है, जैसे कि आपने बताया कि सेट पे चाय वाले दादा और मेकअप दादा होते थे, अब सैनिटाइजर दादा हो गए हैं, तो कितना कुछ बदलाव आ चुका है, मतलब टेम्परेचर चेक करना, ऑक्सीजन लेवल, तो कहीं ना कहीं ये अपनी जो प्रतिभा है एक्टिंग में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर पड़ता है इस चीज का, मतलब एक माहौल का। नहीं, एक्टिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्त, ठीक है। और अब अगर कोरोना आ गया तो मैं हल्दी की जगह कुछ और थोड़ी ना डाल दूंगा सब्जी में, पीले रंग का कलर तो डालूंगा नहीं। तो जो जिसकी जगह है वो काम चल रहे हैं, बट हम लोग सतर्क हो चुके हैं पहले से, सतर्क किस तरह से, वही मैंने जो आपको पहले भी बताया कि अभी उचित दूरी करके हम लोग बैठते हैं, हमारी कुर्सियां नजदीक नहीं लगती हैं, कुर्सियों में अच्छा खासा डिस्टेंस रहता है, 200-300 मीटर का डिस्टेंस रहता है कि हम लोग इतनी दूर दूर बैठ करके रीडिंग करते हैं। जैसे थिएटर में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा करते थे हम लोग डायलॉग्स को, स्टोरीज को, अब वैसे पढ़ते हैं, तो ठीक है, ये चेंजेस हैं, देखिए ये बात नो डाउट। अब साथ में बैठकर खाने की आदत थी, अब हम लोग दूर दूर बैठ करके खाते हैं या अलग अलग अपने कमरों में खाते हैं, तो कुछ नुकसान भी हैं नो डाउट। और सेट के ऊपर सारे लोग थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं, अपन लोग पहले किसी के भी गले में हाथ डाल देते थे, चाहे वो स्पॉट दादा हों, चाहे वो लाइट वाले हों, तो डर है, उसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई, इस बात से मैं मना नहीं करूंगा, और मुझे लगता है ये डर बने रहना चाहिए।
क्योंकि हमें बचपन में, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग भगवान से डरते हैं, तो बचपन में हमारी माता जी पिताजी यही बोलते थे, बेटा ये मत करना, भगवान जी डांटेंगे, है ना, और मॉन्स्टर से डराते थे। हमने आज तक ना मॉन्स्टर देखा ना भगवान जी देखे, पर वो जो एक बिलीव बना हुआ है, आई बिलीव कि उस बिलीव की वजह से बहुत कुछ बना हुआ है। तो ये डर जो है ये बने रहना चाहिए हमारे जीवन में, उससे हम लोग सतर्क रहते हैं। तो माहौल बिल्कुल अच्छा है दोस्त, बहुत बहुत प्यारा है, सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लग गए हैं। अब कोई खांसता है तो लोग चिंता करने लगते हैं और डरते भी बिल्कुल हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं इसी तरह से जो मतलब अच्छी चीजें हैं बरकरार रहे। मनमोहन तिवारी, अगर आपकी बात करें, मनमोहन जी की जो मतलब एक शुरुआत की थी, राखी का स्वयंवर में आपको देखा गया था, एक लंबा अरसा हो चुका है, एक लंबी जर्नी पार कर चुके हैं, एक लंबा अरसा हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर, कितना कुछ बदलाव आ चुका है तब में, अब में, तब के मनमोहन में, अब के मनमोहन में, इंडस्ट्री के काम करने के तरीके में कितना बदलाव आ चुका है इन सारे सालों। इंडस्ट्री तो मेरे भाई तब भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही है, और ऐसी से मतलब यह है कि तब भी बहुत अच्छी थी और आज भी बहुत अच्छी है। तब भी टैलेंट को यहाँ इज्जत मिलती थी और आज भी टैलेंट को यहाँ इज्जत मिलती है, और अब ज्यादा आपके पास प्लेटफॉर्म है, पहले थोड़े कम होते थे, और ये धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं। अब वेब सीरीज आ गई हैं, सिनेमा, पहले सिर्फ बड़ी बड़ी फिल्में बना करती थी, करोड़ों की फिल्में बनती थी और उनमें बड़े बड़े लोग काम करते थे। अब छोटी फिल्में भी बनती हैं, अक्षय कुमार अगर 100 करोड़ की फिल्म करते हैं तो कहीं 2 करोड़ की फिल्म भी करते हैं, वो टॉयलेट भी करते हैं। तो मेरा मानना है जब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बड़ी और छोटी दोनों फिल्में करते हैं तो बहुत सारे स्कोप मिलता है बहुत सारे लोगों के लिए। अक्षय कुमार की फिल्म में सिर्फ अक्षय कुमार तो काम करेंगे नहीं, उसमें पंकज त्रिपाठी भी शायद कर रहे होंगे, उसमें आज राजपाल यादव भी कर रहे होंगे, उसमें मनोज वाजपेयी को भी जगह मिलती है, शायद उसमें रवि किशन को भी मिलती है, उसमें अगर विद्या बालन को मिलती है तो तापसी पन्नू को भी जगह मिलती है। तो बड़ी फिल्में बनती हैं या छोटी फिल्में बनती हैं या खूब सारी फिल्में बनती हैं या खूब सारा काम होता है, तो खूब सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंडस्ट्री के लोगों को भी मिलती है, जिनके पिताजी लोग प्रोड्यूसर और एक्टर है उन लोगों को भी मिलती है, और जिनके पिताजी एडवोकेट है या सब्जी बेचते हैं उन लोगों को भी मिलती है। तो ये काम होते रहना बड़ा अनिवार्य है। तब के और अब में मनमोहन तिवारी में कितना फर्क आ चुका है, मतलब जब आप नए नए आए थे तो ऑब्वियसली कुछ अलग बिल्कुल रहा होगा, अब आप जबकि आपने काफी अरसा बिता दिया तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल, एक अलग चीजें हो चुकी होगी। देखिए, कॉन्फिडेंस तो अपने आप पेट भर के था बचपन से ही, जी तो वो मुंबई ने नहीं दिया, वो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेरी स्कूलिंग ने, मेरे परिवार ने और ऋषिकेश ने दिया, जहां पर मैं पला बड़ा हूँ, टू बी वेरी जी फ्रेंक। जी मुंबई ने मुझे और समझदार जरूर बनाया, मैं ये जरूर कहूंगा। विश्वास होना और उसके अंदर समझदारी का एहसास होना दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ हमेशा कि बेबाक होना और मूर्ख होना, बेवकूफ होना दो अलग अलग बातें हैं। तो बेबाकी मेरे अंदर पहले से थी, मैंने बोला ना अपन तो पहले से ही गुंडे थे, तो जी बेबाकी पहले से थी। तो इस बेबाकी में और समझदारी और अनुभव इस मुंबई ने दिया है, क्योंकि इस मुंबई में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के टैलेंट हैं, तरह तरह की पर्सनालिटीज हैं, व्यक्तित्व है, समझ है। तो हर उस जर्नी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, नो डाउट, मुझे और मेच्योर बनाया है और समझदार बनाया है। पहले के अभिनय में, अब के अभिनय में हर चीजें बदलती रहती हैं, चेंज होता रहता है, आप किसी चीज को समझने का आपका प्रोसेस थोड़ा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। इस जर्नी ने बहुत कुछ दिया है, इस जर्नी ने मनमोहन को मनमोहन बनाया है जो लोग जाने हैं। तो ऋषिकेश से अब मुझे, अगर भारत में कई लोग जानते हैं, बाहर अगर कुछ लोग जानते हैं, तो इस मुंबई ने बनाया, और ये अनुभव बहुत सुखद है, अच्छा है। जी, ये तो हुई मुंबई की बात। ऋषिकेश की जो गंगा किनारे छोरे वाली बात जो है, मतलब जैसे कि जो एक वहां की एक माहौल हवा में ही एक अलग बात होती है, ऋषिकेश की जो बिल्कुल बात होती है, तो वहां की कोई बचपन की कोई यादें अगर आप शेयर करना चाहें कि बचपन की ऐसी कोई यादें, या किस तरह का बचपन होता था, किस तरह से मस्ती करते थे, जो एक दबंगई वाली चीजें होती है, वैसे कोई किस्से की, एज एन एक्टर तो सभी कोई जानते हैं, बट एक्टर के पहले मनमोहन तिवारी कैसे थे, किस प्रकार के इंसान थे, उसके बारे में। मैं ऋषिकेश बड़ा छोटा सा शहर है दोस्त, और बहुत प्यारा सा शहर है, जी और पूरा परिवार है मेरा वहां पर, मेरे दोस्त हैं सारे,
हम सारे दोस्त बाइक लेकर के बद्रीनाथ के लिए निकल जाते थे। मतलब वो एक अलग ही याद है। मैगी खाना है तो मसूरी निकल गए मैगी पॉइंट के लिए। रसगुल्ला क्या खाना है, 5 लोग 5 बाइक के उठाई और बैठे, दो दो लोग और 10 लोग बद्रीनाथ को निकल गए। मतलब सोचो, बद्रीनाथ क्या एक 300 किलोमीटर आपको, और वो भी पहाड़ी पे चढ़ना है, वो अपने आप में 1000 किलोमीटर हो जाता है। तो बड़ी वो खूबसूरत यादें। और अपना गंगा जी का घाट है, अगर एक बार गंगा जी में पैर डाल करके बैठ जाओ तो शायद उससे सुखद अनुभव कुछ है ही नहीं जीवन में। तो बिल्कुल आप एमपी वाले हैं तो आप शिप्रा जी का तट याद कर लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। तो जी नर्मदा जी याद कर लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। तो बहुत ही सुखद अनुभव है वहाँ, और वहाँ की मिट्टी बहुत प्यारी है। और दबंगई वाली बात तो यह है कि अपने मिट्टी अपना घर है, तो वो दबंगई वाली फीलिंग उसलिए भी है। ऐसा नहीं कि हम कोई लड़ाई वड़ाई करते थे, अपन वहां थे, अब एक एहसास होता है ना कि मेरा है, मेरा घर है, मैं कहीं पर भी, हम लोग वहां पर किसी भी घर में खाना खा सकते थे। अगर जब त्योहार होते थे ना, होली दिवाली, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही घर में कढ़ी चावल खा रहा हूँ भाई, मैं किसी के भी घर में घुस सकता हूँ और कोई भी मुझे बैठा करके खिलाएगा। वो शहर है, वो इतना प्यारा शहर है। किसी जी भी रेस्टोरेंट में हम लोग खा लेते थे, चूंकि मैं कॉलेज का नेता हुआ करता था जी तो अपने को और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। तो बिल्कुल बाकी आप समझ गए होंगे, तो एक अलग ही प्यार था। तो बहुत खूब वहाँ हम लोग जब छोटे थे गंगा जी जाते थे घर से चोरी छुपे भाग करके, और गंगा जी नहाते थे और जो अंडरवेयर होता था उसे निचोड़ के सर पे रख के चले जाते थे, नंगे घूम रहे होते थे, वो भी दिन होते थे। क्या और उसके बाद घर जाते जाते वो सूख जाता था, वापस पहनते थे घर। क्या अलग बात, ही था। बिल्कुल बिल्कुल। ये किससे मतलब किससे सुन के ही इस तरह से एक एहसास हो जाता है कि कितनी मस्ती और मजाक उस वक्त में होती रही होगी। बहुत बहुत अः बहुत चलिए मनमोहन जी, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। अभी कुछ हालात हैं थोड़े से इतने अच्छे नहीं है, नासाज हालात चल रहे हैं, जल्दी ये समय भी बीत जाएगा। और एक बार हम फिर, अब जैसे कि हम डिजिटल और ये सारी चीजों से इंटरव्यू कर रहे हैं, एक बार फिर से हम सेट पे आएंगे, आपसे सेट पे आके बातें करेंगे जैसे हर वक्त हमेशा करते थे।